Hello everyone, my name is Arpit Gupta. I'm a maths educator in an academy center. हम एक छोटा सा क्वेश्चन लेके आए आपके लिए कि अगर कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हो और हमें करना है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, तो हम उसको बहुत आसानी से कैसे करने वाले हैं, देखते हैं। आप क्या बोलोगे कि सर यहाँ पर कोफिशियंट कौन है? वन है। तो तरीका क्या कहता है कि ये नंबर और लास्ट वाला नंबर, तो उसके पहले में देखना होता है ये ऑर्डर में होने चाहिए। ये ऑलरेडी ऑर्डर में है, एक्स टू द पावर टू, वन और कॉन्स्टेंट टर्म। तो हम क्या बोलेंगे, हमें प्रोडक्ट कितना चाहिए, तो जल्दी से लिख लेते हैं। प्रोडक्ट कितना चाहिए? 1 और 180। तो दैट मींस हमें ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिनका प्रोडक्ट 180। तो दिमाग में आ रहा होगा सर 1 ले लो और 180 ले लो, प्रोडक्ट 180 आ जाएगा। 2 ले लो, 90 ले लो, मतलब कुछ भी ले लो, ऐसे बहुत सारे नंबर होंगे जिनका प्रोडक्ट क्या होगा, 180। लेकिन इसका नेबर सिंबल कौन है? आप देख पा रहे हो उसका नेबर सिंबल कौन है? माइनस। तो आप क्या बोलोगे कि हमें उन्हीं दोनों नंबर को सब्ट्रैक्ट करने पर क्या चाहिए, 11। तो जरा ध्यान से समझिए, यहां पे मैंने 180 का क्या करा, प्राइम फैक्टराइजेशन। अगर आप गेस कर पा रहे हो दैट मींस यू आर बेस्ट, अगर गेस नहीं कर पा रहे हो तो आप सिंपली उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करो और यहां से ग्रुपिंग करना चालू करो। फॉर एग्जांपल मेरे को दिखा कि सर अगर मैं 3 और 3 9 को अलग कर दूं और 4 5 20 में अलग कर दूं, तो आप क्या बोलोगे, 180 कैन बी रिटन एज 20 × 9। यस इट्स ट्रू कि 20 × 9 180, एंड When we subtract 20 to 9, this becomes to be 11. और देखो क्या हमारा रिजल्ट सेटिस्फाई हो रहा है? बिल्कुल। तो हम क्या बोलेंगे कि x square minus x और minus 180, हमें किसको ब्रेक करना था, 11 को। So 11 can be written as what, 20 minus 9। और जैसे आप 20 माइनस चेक करोगे ना, 20 माइनस 9, तो आपका जो प्रीवियस स्टेप है वो सेटिस्फाई हो रहा है। बिकॉज ऑफ बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर 90 और इंटू 2 कर दो, सही है 90 × 2 180, बट सब्ट्रैक्शन क्या आएगा, 88। तो आप प्रीवियस स्टेप जरूर मैच कर लेना। अभी आप क्या कर सकते हो कि यहां पर आप एंट्री करा दो, किसकी, माइनस की। सो एक्स स्क्वायर माइनस 20x और माइनस माइनस क्या दे देगा, प्लस 9x माइनस का 180। So now you can simply take x as common from first two terms. When you take x as common, this becomes to be x minus 20. When you take plus 9 common from last two terms, this becomes to be x minus 20. Now you can simply observe what this whole family same. In these two terms, this whole family is same. So we can take x minus 20 as whole common. So this becomes to be x plus 9. So ye hamara kya nikal aaya? कि दिस एक्सप्रेशन कैन बी रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ एक्स माइनस 20 एंड एक्स प्लस 9। बट हियर वी कैन ऑल्सो नो वॉट द शॉर्टकट, दैट मीन्स अगर कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आता है और उस एक्सप्रेशन में हमारे पास कोफिशियंट कौन होना चाहिए, 1। ये नेसेसरी चीज है कि कोफिशियंट कौन होना चाहिए, 1। तो शॉर्टकट क्या है, तो देखिए बहुत सिंपल सा शॉर्टकट है। आप क्या बोलोगे सर इस फैमिली में, मतलब इस पूरे में वेरिएबल कौन है, x। तो आप क्या बोलोगे सर दो फैमिली बनाओ, वहां पे यूज्ड वेरिएबल कौन है, x, दोनों को दे दो, एंड देन आप क्या ऑब्जर्व करोगे सर नंबर ढूंढना है। तो नंबर का तरीका यही है, नंबर के लिए तो मेहनत करनी पड़ेगी, अगर आप गेस कर पा रहे हो दैट मींस यू आर बेस्ट, बट अगर गेस नहीं कर पा रहे हो तो नंबर के लिए बस सिंपल सा तरीका है, नंबर लिखो, प्राइम फैक्टराइजेशन करो, वहां पे ग्रुपिंग करो, आपको नंबर्स मिल जाएंगे। नंबर्स मिल चुके हैं तो फिर आप यहां पे लिख दो, फॉर एग्जाम्पल 20 और 9, अभी हमने देखा 20 और 9 180 दे रहा है, 20 और 9 का सब्ट्रैक्शन 11, दैट मींस हम बिल्कुल सही चल रहे हैं। अब बात आती है सर सिंबल का रोल क्या है, तो देखिए सिंबल का रोल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, उसको बहुत ध्यान समझिएगा। हमारे पास मिडिल टर्म में सिंबल कौन है, नेगेटिव। तो आप क्या बोलोगे सर यहां पे दो नंबर्स हैं, एक है 20 दूसरा है 9, तो मिडिल टर्म का सिंबल हम उसको देंगे जो नंबर होगा बड़ा, हमने दे दिया 20 को माइनस का सिंबल। फिर आप क्या बोलोगे सर ये रहा माइनस और ये रहा माइनस, दैट मींस दूसरे नंबर को वो सिंबल मिलेगा जो इन दोनों का होगा प्रोडक्ट, और हम जानते हैं माइनस इनटू माइनस क्या देता है, पॉजिटिव। क्या ये हमारा आंसर देखिए मैच कर रहा है? तो हम बेसिक से अगर करेंगे तो बहुत सिंपल सा स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, लेकिन अगर यहां पे कोफिशिएंट 1 है तो हम सिंपल सा ट्रिक हिट करेंगे, क्या एक लाइन में सॉल्यूशन। क्या मेरी बात समझ पा रहे होगे? थैंक यू एवरीवन।